हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली शिफॉन सिरप की। गाइज, ये एक एलोपैथिक सिरप है। ये सिरप के क्या यूजेस हैं, क्या डोज है, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँचे। गाइज, शिफॉन सिरप 200 ml में आता है। इसका प्राइस है 98 rupees। इसको जेनो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी बना, इसकी एक्सपायरी डेट लगभग 4 महीने तक की होती है। ये सिरप को आप कोई भी मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हो। ये सिरप को बच्चे से लेकर बड़े तक ले सकते हैं। शिफॉन सिरप का बेसिकली यूज भूख की कमी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, खान पान ने ठीक नहीं होने की वजह से दुबलापन होता है, कमजोरी आ जाती है, तो भूख को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्किन पर भी किसी तरह की एलर्जी होगी और भी यूज कर सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। अगर आपको कॉप्स की प्रॉब्लम, तब भी आप ये सिरप का यूज़ कर सकते हैं। मौसम चेंज की वजह से जो एलर्जी हो जाती है, जैसे सर्दी, खांसी, कफ, आंखों में पानी आना, नाक बहना, उसके बचाव के लिए भी ये सिरप का यूज कर सकते हैं। इसमें यूज किया गया है साइप्रोहेप्टाडीन, ट्राइक्लोलाइन साइट्रेट, सोर्बिटोल। अब बात करते हैं इसके डोज की, तो ऐसे तो ये सिरप का यूज डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए एंड एज ऑन बॉडी के हिसाब से डोज होती है। फिर भी एक नॉर्मल डोज शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप जब ये सिरप का यूज करें, तब सबसे पहले इसकी बॉटल को अच्छे से सेक कर ले, उसके बाद ही आपको लेनी है। इसका यूज खाना खाने के बाद आपको करना है एंड बच्चों के लिए 5 ml करके दिन में आप एक से दो बार दे सकते हैं एंड बड़ों को 10 ml करके 1 से 2 बार दिन में दे सकते हैं। ये सिरप लेने से भूख बहुत जल्दी बढ़ती है, शरीर में एनर्जी आ जाती है, कमजोरी दूर होती है, वजन बढ़ने लगता है। जो लोग कमज़ोर होते हैं, दुबले होते हैं, वो लोग ये सिरप का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, जब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसका यूज़ करने से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे चक्कर आना, पेट में गैस की समस्या, पेट में मरोड़ा उठना, दस्त, सरदर्द, मुँह का सूखना, स्वाद में बदलाव, उल्टी होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तो ये सिरप का यूज डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें। अगर आपके ऑलरेडी कुछ मेडिसिन चल रही है, तब भी डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज करें। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।